Hello everyone, welcome back to my channel Kshama's Kitchen. I hope you all are doing really really good. आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट और लंच रूटीन. आप इसको बोल सकते हो व्हाट आई एट इन माय ब्रेकफास्ट एंड लंच, जो आपको अच्छा लगे आप वो इसको टाइटल दे सकते हो. या मैं आप लोगों के साथ ब्रेकफास्ट शेयर कर रही हूँ. जैसे कि आप बहुत सारे लोग जानते होंगे कि हस्बैंड का ब्रेकफास्ट मैं जल्दी बनाती हूँ एंड थोड़ी देर बाद मैं अपना और अपनी बेटी का ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ. तो यहाँ जो जो भी मैंने आज बनाया है ब्रेकफास्ट, कई बार होता है हस्बैंड का मैं मिस कर देती हूँ, तो इस बार आई ट्राई कि मैं उसको जो वीडियो है उसको मर्ज करूँ इसमें, तो आई ट्राइड. एंड लंच में क्या बनाया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ब्रेकफास्ट से. मैं बना रही हूँ चाय, पराठा, ऑमलेट, एग फ्राई, स्मूदी एंड चॉकलेट मिल्क शेक, इतना सारा. तो चाय का जो वीडियो है मैं इतनी बार अपने वीडियो पर डाल चुकी हूँ कि आप बोलोगे कि क्षमा क्या ये बार बार सेम चीज़ करती रहती हो. चाय मैंने बनने रख दी थी, उसके बाद मैंने कैमरा स्टैंड पर लगाया तो चाय बॉयल हो गई है. थोड़ी सी चाय हम ठंडी सी पीते हैं, नॉट ठंडी एक्चुअली, बहुत गर्म नहीं पीते क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है. तो मैं चाय बना करके रख दे रही हूँ. और मैंने ऑमलेट बनाने के लिए पैन एक साइड रख दिया है, गर्म हो रहा है, और दूसरी साइड रख दिया है तवा जिस पर मैं पराठे सेकूँगी सुबह सुबह. चाय मुझसे बहुत ज़्यादा गिर जाती है, बहुत बारी ऐसा होता है, तो बस मैं उसको क्लीन कर रही हूँ कप को. चाय बन गई है. मैं अपनी चाय में भी लाइक साथ साथ में पीती रहती हूँ, हस्बैंड को नाश्ते के साथ ही देती हूँ. ठीक है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि अनियन को चॉप कर ले रही हूँ. थोड़ी सी डाल रही हूँ ग्रीन चिली ऑमलेट बनाने के लिए. 2 egg का मैं ऑमलेट यहाँ पर रेडी कर रही हूँ. तो मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया हुआ है, उसमें मैं वैसे मैंने ऑमलेट की रेसिपी डाली हुई है, तो आप वहाँ जाकर के चेक कर सकते हो दूसरे टाइप के जो भी मैंने एग की रेसिपीज डाले हुए हैं. ये थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट इन द सेंस बहुत ज़्यादा सिंपल है. एग में मैं ट्राई करती हूँ जो इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन कुछ दिखता है उसको निकालने का ट्राई कर देती हूँ, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, मुझे नहीं पता वो अच्छा होता है कि गलत होता है, बट अगर मुझे दिखता है तो मैं उसको हटा देती हूँ. एग को फेंट लिया है, विस्क कर लिया. उसके बाद मैंने जो प्याज और मिर्ची काट करके रखा है वो डाल दिया है इस जगह पर. अगर आपको धनिया बहुत पसंद है, मिंट पसंद है, जो भी पसंद है आप आपके अनुसार डाल सकते हो. ठीक है, जो भी सब्जियाँ आपको पसंद हो. मैं बहुत सिंपल सा बना रही हूँ. ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा ब्लैक पेपर और सॉल्ट, दैट्स इट. अच्छे तरीके से विस्क हो गया है. अब मैंने क्या किया है, जो पैन है इसमें मैंने हल्का सा ऑयल इसमें ऐड कर दिया है. आप बटर भी यूज़ कर सकते हो. अब मैं इसमें जैसे ये गर्म हो जाएगा तो जो मिक्सचर है इसको इसमें पोर कर दूंगी और इसको स्लो फ्लेम पर ही पकने दूंगी. तो जब तक ये पक रहा है मैं पराठा बनाना भी स्टार्ट कर दूंगी. और मैं इसको फॉर्क से आप देख सकते हो मिक्स कर रही हूँ, मिस्क बोल रही हूँ मैं भी. तो उससे क्या होगा कि एक तो अनियन एक जगह पर नहीं रहेगी और दूसरा इसमें थोड़ा सा स्क्रिम्बल पन बन जाएगा, तो आपका जो ऑमलेट बन करके रेडी होता है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है और फ्लफी बनता है. ठीक है, तो इधर ये बन रहा है, ढक करके छोड़ दिया है मैंने. और उसी जगह दूसरी जगह मैंने आटा भी गूंद करके रख दिया था चाय बनाते टाइम में, तो मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर ले रही हूँ जिससे कि वो सेट हो जाए प्रॉपर से. तो आटा भी बहुत बारी गूंथ चुकी हूँ ऑन कैमरा, तो मैंने सोचा इसको भी करके रख लूँ, अदरवाइज़ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता. परांठे बना करके रेडी कर रही हूँ मैं, 2 या 3 परांठे बनाऊँगी, दैट्स इट. एंड या मैं एक चीज़ मेंशन करूँगी, एक मेरी बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर है संयोगिता, वो मुझसे बोल रही थी कि दीदी आपका ठीक है इतना होता है ना कि आपका ठीक है सुन करके मैं घर में भी ठीक है बोलती हूँ, मेरे पेरेंट्स बोलते हैं ठीक है ठीक है. तो आई वॉज लाइक कि मतलब मुझे इतनी हंसी आई उसको. एंड सीरियसली मैं आप सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ उस चीज़ के लिए, इतना सारा प्यारा जो कमेंट्स करते हो आप लोग, इतना प्यार देते हो उसके लिए, सच में बहुत ज़्यादा मैटर करता है लाइफ में. तो यस, थैंक यू संयोगिता और सब लोगों को थैंक यू इस चीज़ के लिए. और यस, बात करते करते यहाँ पर मेरे पराठे भी बन गए हैं. बीच में चेक कर लें ऑमलेट को भी जैसे मैंने किया कि कहीं जल ना जाए, स्लो फ्लेम पर ही रखना है. और इसको मैंने कर दिया है फ्लिप जिससे कि दूसरी साइड से भी सिक जाए. तो ये सुबह का जो मैं ब्रेकफास्ट हस्बैंड के लिए रेडी करती हूँ, टोटल इसको बनने में लगता है 10 मिनट्स. 10 मिनट्स में मतलब सब कुछ हो जाता है. ठीक है, और बहुत ज़्यादा नहीं होता, बट यस, उनको प्रॉपर से पराठा के साथ या तो सब्जी चाहिए या ऑमलेट चाहिए, सैंडविच जैसे कि मैंने बताया हम लोग नहीं खाते हैं, बहुत रेयर, वंस इन अ वाइल ब्लू मून बोल सकते हो, उस हिसाब से हम ब्रेड वगैरह खाते हैं, अदरवाइज़ तो प्रॉपर से खाना चाहिए होता है सुबह भी. तो यस, पराठा एंड ऑमलेट उनके लिए बन करके रेडी है. अब मैं अपनी चाय नहीं पी थी तो यस, अब मैं अपनी चाय पीना स्टार्ट करूँगी. थोड़ी देर बैठूँगी 10-15 मिनट तसल्ली से, थोड़ा सा अपना जो भी मेल वगैरह है वो सब चेक करूँगी और उसके बाद मैं हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो बनाना रेडी करूँगी. तो मैं बना रही हूँ एग फ्राई अपनी बेटी के लिए और अपने लिए सिर्फ स्मूदी बना रही हूँ. तो यस, एग फ्राई का वीडियो मैं डिटेल डाल चुकी हूँ ऑलरेडी,
तो आप चेक कर सकते हो। बाकी आप यहाँ देख सकते हो मैं कैसे बना रही हूँ। बेटी के लिए बना रही हूँ तो मैं क्या करती हूँ, जो योग है उसको मिक्स कर देती हूँ, जिससे कि वो पूरा जो एक प्रॉपर से जो लेयर है वो आ जाए। और ऐड करें थोड़ा सा हिमालयन सॉल्ट और ब्लैक पेपर। कभी कभार ला का मा मा का ला निकल जाता है, वो आगे पीछे वर्ड्स हो जाते हैं, खुद से ही हंसी आती है। हंस लेना चाहिए, जब हंसी आती है तो रोकना नहीं चाहिए। तो यस, एग फ्राई है वो भी बन करके ऐसे ही रेडी हो गया है। और यस, ये ब्रेकफास्ट रेडी है मेरी बेटी के लिए। इसको भी बनने में 5 मिनट लगता है, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। एंड बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और हेल्दी भी होता है, प्रोटीन से भरपूर होता है। तो आप ज़रूर दें अपने बच्चे को। मैं बना रही हूँ अपने लिए स्मूदी, तो रक्षा ने बोला मुझे भी चाहिए मिल्क शेक, तो मैं उसके लिए प्लेन मिल्क शेक बनाऊंगी। अपनी स्मूदी का मैं यहाँ पर वीडियो ऐड कर दे रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं डाला है। तो मैं यहाँ पर एक ग्लास बना रही हूँ, तो डाला है 2 टेबल स्पून योगर्ट, और उसमें डाल दिया है 4 छुहारे डेट्स, और 1/2 टेबल स्पून डाला है कोको पाउडर। कोको पाउडर इज़ गुड फॉर वेट लॉस, ठीक है। थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ क्रंची पीनट बटर, जो फ्लेवर बहुत अच्छा देता है और शुगर फ्री होता है, और फ्लेवर तो देता ही है, साथ में हेल्दी भी होता है। बाद में मैं डाल रही हूँ अराउंड 1/2 कप के करीब इसमें ऑलमंड मिल्क, अनस्वीटेंड है, और 1 टी स्पून डाला है सिनेमन। आपको इसमें से जो चीज़ पसंद नहीं हो आप हटा सकते हो, या जो चीज़ अच्छी लगती हो वो आप ऐड कर सकते हो। स्मूदी का ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं है कि आपको वही सब डालना है। स्मूदी मतलब जो आपको पसंद है मिक्स करो और पी जाओ। तो यस, उसके बाद मैंने मिल्क शेक रेडी किया है। कुछ नहीं किया है, मिल्क में मैंने 1 टी स्पून के करीब शुगर डाला है एंड कोको पाउडर डाला है, दैट्स इट। जिससे कि बहुत ज़्यादा आइसक्रीम वगैरह डाल के ब्रेकफास्ट में लेने से कोई मतलब नहीं होता, और ये थोड़ा सा हेल्दी होता है। तो यस, ये भी बन करके रेडी है। तो ये था मेरा ब्रेकफास्ट आज का, थोड़ा सा ज़्यादा था बट यस ये था। और ये कोई वीडियो के लिए नहीं है, ये रियल ब्रेकफास्ट है जो हम एक्चुअल में करते हैं। तो यस, आई होप ये ब्रेकफास्ट आपको अच्छा लगा होगा। बढ़ते हैं लंच की तरफ। तो लंच में मैं बना रही हूँ मसूर की दाल, राइस, सब्जी बनाऊंगी, रोटी, सैलेड एंड नॉर्मल बेसिक कर्ड, रायता नहीं बना रही हूँ तो, और बस ज़्यादा हैवी नहीं है। बट यार, जो मसूर की दाल है वो थोड़ा सा टाइम लेती है बनने में, तो मैं सबसे पहले मसूर की दाल जो है वो बनने रख दे रही हूँ। सोक करके रख दिया था मैंने, जब मैंने ब्रेकफास्ट बनाना रेडी किया था तभी इस दाल को। ये रेड जो मसूर होती है ना, वो छिलके वाली है, इसको मैं बॉईल करने रख दे रही हूँ पानी में, हल्दी और नमक डाल करके, दैट्स इट। और थोड़ा सा हम इसमें ऑयल डाल रहे हैं, उससे क्या होता है, एक तो दाल बहुत ज़्यादा घुलती नहीं है, दूसरा सीटी से बाहर नहीं निकलती। और एक टिप यहाँ मैं शेयर कर रही हूँ, अगर आपको लगता है कि आपके कुकर से बहुत ज़्यादा पानी बाहर निकलता है, तो व्हाट यू कैन डू इज़ एक सिल्वर फॉइल लेकर, क्योंकि ये बहुत वेट का होता है और खुलता नहीं है आसानी से, तो आप देख सकते हो मैंने एक छेद करके उसको सीटी के अगल बगल, उसको आजू बाजू उसको बांध दिया है, जिससे कि अगर कुछ निकलता भी है बाई चांस कुकर से पानी बाहर, तो आपका गैस वगैरह या कुकर ख़राब नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक टिप है बिगनर्स के लिए, और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना। मैं टिप्स पर काम कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, तो आप ज़रूर मेरे साथ शेयर करें कि आपको अच्छी लगी। राइस मैंने बगल में बनने रख दिए हैं, सब्जियाँ कट कर ली हैं, थोड़ा सा मेरे पास गोभी था छोटा सा, तो मैंने ये आलू प्याज वो सब कट कर लिया है। सीटी आ रही है दाल में, राइस तब तक जो है वो बन करके हो गया है रेडी। अब हम बनाएंगे सब्जी इसमें। तो एक और मेरी वीडियो को हमेशा टाइटल देना चाहिए कि एक कढ़ाई के साथ आप खाना कैसे बना सकते हो, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही कढ़ाई है जो हमेशा यूज करती हूँ। तो यस, तो मैंने यहाँ कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल करके जीरा और हींग डाल दिया है तड़का लगा करके। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अनियन एंड गार्लिक एंड जो चिली कट करके रखा हुआ था वो, ठीक है। उसमें जैसे ही फ्राई हो जाएगा मैं इसमें हल्का सा ऐड कर दे रही हूँ हल्दी। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ आलू, गोभी डालने से पहले इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी, ठीक है। और उसके बाद हम इसमें गोभी ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा देर तक गोभी को अगर पकाओ तो वो घुल जाता है, जो मुझे नहीं चाहिए, इसीलिए मैं आज आलू पहले डाल रही हूँ। जब वो हल्का सा पक जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे गोभी और मिक्स होने देंगे अच्छे तरीके से। ढक करके इसको छोड़ देंगे जिससे कि ये फ्राई हो जाए। मैंने इसमें सॉल्ट नहीं डाला, सॉल्ट डालने से क्या होता है कि नमक वो सॉरी पानी आ जाता है। फिर मैंने सोचा मैं इसमें थोड़ी सी मटर ऐड कर दूं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया था। तो यस, मैं इसमें हल्की सी मटर भी ऐड कर रही हूँ, फ्रोजन मटर 2 टेबल स्पून के करीब, बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे ये फ्राई हो जाएगी सारी चीज़ें, इसमें हम मैंने ऐड कर दिया है सॉल्ट, ठीक है। हल्दी हम पहले ही डाल चुके थे, सॉल्ट डाला है। मैं नॉर्मल जो डेली की सब्जी होती है उसमें मिनिमल जो मसाले होते हैं वो डाल करके बनाती हूँ। रोज़ बहुत ज़्यादा हैवी खाना इज़ लाइक एक दिन आप ऊब जाओगे, अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं ट्राई करती हूँ एज सिंपल एज पॉसिबल। मैंने यहाँ पर इसमें ऐड कर दिया है सब्जी मसाला, थोड़ा सा 1/2 टेबल स्पून के करीब, दैट्स इट।
और ये साथ में मैं डाल दूंगी इसमें थोड़ी सी पेपरिका पाउडर, अगर आप रेड चिली खाते हो तो आप वो भी डाल सकते हो। और इसको मिक्स कर देंगे, पकने देंगे थोड़ी सी देर के लिए, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक जो टमाटर वगैरह अच्छे से पक ना जाए। और सब्जी का कलर आप देख सकते हो थोड़ा सा ब्राउन हो गया है, ठीक है, थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर आ गया, हल्का सा मैं इसमें पानी के छींटे दे रही हूँ, थोड़ा सा अगर कढ़ाई में लग भी गई है मसाला तो वो इसमें अच्छी तरीके से सब्जी में मिक्स हो जाए और कढ़ाई से छूट जाए, ठीक है। तो ये सब्जी बन करके रेडी है। लास्टली मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी। मेरे पास धनिया आज अवेलेबल नहीं था, मेरी किचन में था ही नहीं, तो मैंने कसूरी मेथी डाला है। अगर आपको भी धनिया है तो आप वो डाल सकते हो। सब्जी बन गई, अब बना रहे हैं हम दाल का तड़का। तो दाल के तड़के के लिए मैंने यहाँ पर 4 चम्मच आप देख सकते हो घी डाला है। दाल में मुझे घी बड़ा ज़्यादा पसंद है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो डाल दिया है थोड़ा सा ही जीरा और हींग, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है लहसुन और मिर्ची, फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से, कच्चा नहीं छोड़ना हमें बिल्कुल भी। उसके बाद मैंने ये एक प्याज लिया जिसको चॉप कर लिया है और इसको भी हम पकने देंगे, उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, एक साथ नहीं करें, ठीक है। तो 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे, जैसे पक गया टमाटर डाल दें, ढक करके छोड़ देंगे इसको जब तक कि टमाटर बिल्कुल मशीना हो जाए, ठीक है, एकदम पल्प ना बन जाए। फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा पेपरिका पाउडर और डाल रही हूँ जो सब्जी मसाला है वो, अगर आपको पसंद है पाव भाजी मसाला डाल दो, सांभर मसाला डाल दो, धनिया डाल दो, जो आपको खेलना है मसालों के साथ आप वो डाल दो। थोड़ा सा डाल दिया है गरम मसाला, ठीक है, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर के लिए, वो तीखेपन के लिए। तो यस, ये मसाला भुन गया। लास्ट में मैं क्या कर रही हूँ, जो मैंने दाल बॉईल करके रखी थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी, और इस दाल को बॉईल करने के लिए मैं 3 से 4 सीटी लगाई थी, ठीक है, उसमें ये पक करके हो गई है रेडी। इसको उबलने देंगे, जैसे ही उबल जाए हटा दो, रोटी सेकना स्टार्ट कर दो, बन गया आपका लंच। तो दाल की जो क्वांटिटी, सॉरी जो कंसिस्टेंसी है, वो आप देख सकते हो कैसी आपको रखनी है, जैसी आपको पसंद हो, गाढ़ी पतली जिस तरीके से की, वैसे भी आप कर सकते हो। जब भी मैं पहली रोटी बनाती हूँ ना, मैं तवे पर, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है ना, तो एकदम से तवा जब गर्म नहीं होता तो पहली रोटी को सिकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा लाइट कलर की सिकती है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि जब भी रोटी बनाओ तवे पर स्पेशली, तो थोड़ा सा तवे को ओवर हीट होने दो, फिर आप रोटी बनाओ। तो ये था आज का ज्ञान, एडेड ज्ञान। तो यस, लंच बन करके रेडी है, दाल बन गई। योगर्ट में मैंने क्या है, थोड़ा सा ठेचा जो होता है वो डाला हुआ है, काला नमक, दैट्स इट। 2 रोटी चावल, ये मेरा लंच है, सैलेड है और सब्जी है। बहुत ज़्यादा देख करके प्लीज़ नज़र मत लगाना, मैं एकदम से ऐसी वाली डाइटिंग पर नहीं रह सकती हूँ कि मैं सिर्फ थोड़ा सा एकदम से चम्मच चम्मच खा करके अपना पेट भर लूँ, गुजारा कर लूँ, वो नहीं होता। तो पर हाँ, मैं इतना खाती हूँ। तो यस, ये था आज का मेरा लंच, ब्रेकफास्ट बोल सकते हो, व्हाट आई ईट इन अ डे, ठीक है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो प्लीज़ आप हिट कर देना लाइक बटन एंड शेयर कर दीजिएगा फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर नए हो चैनल पर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार कर लो, बहुत मैटर करता है मेरे लिए एंड टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड प्लीज़ हिट द नोटिफिकेशन बेल, मैं हमेशा नहीं बोलती हूँ बट यस, अगर नहीं किया तो प्लीज़ हिट कर दें, जिससे कि आप नोटिफाइड हो जाए कि हाँ जी मैंने वीडियो कोई अपलोड किया है। तो यस, आज का समाचार यहीं खत्म होता है। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी कुकिंग एंड हैप्पी ईटिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।